गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वंस अगेन नमस्कार पेरेंट्स. बच्चों, अब आपका ये सेकंड सेशन है हिंदी लैंग्वेज का, मतलब हिंदी व्याकरण. तो प्लीज़ अपनी बुक खोलिए, चैप्टर 2 अध्याय 2 लिखा है वर्ण. तो पहला हमने पढ़ा था भाषा, और भाषा के बाद थोड़ा सा हमने पढ़ा था लिपि. आज बच्चों नया चैप्टर है वर्ण. मुख से निकली प्रत्येक आवाज़ को ध्वनि कहते हैं. आवाज़ कैसी भी, मैं क्लैप करूँगी आवाज़ आएगी, मैं लिखूँगी तो ये क्या आ रही है, वॉइस आ रही है, ध्वनि. क्या बोलते हैं इसको, ध्वनि. ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं. जैसे हमारे जितने भी शब्द होते हैं जो आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, से आम, अनार, तो जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो क्या होती है, उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं. अक्षर तो आप सबको पता है, तो वर्ण या अक्षर किसको कहते हैं, जिनका लिखने का प्रयोग करते हैं. जैसे देखो, ज अ ग जग, आम आम, और मोर. तो शब्दों को जोड़ के, जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है बच्चों, तो आपका जैसे ये लिख रही हूं मैं आपके लिए ज, ये तो आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो सब, ग. तो जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, दिन अक्षरों का प्रयोग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अक्षर या वर्ण. ठीक है, तो ये आपके हैं, जैसे ज है, ग है, तो ये अक्षर हैं. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसको आप और नहीं तोड़ सकते. जैसे अब आपकी वर्णमाला क्या होती है, प्रत्येक भाषा अपने में वर्ण होते हैं, एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, क्रम में लिखे गए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं. वर्णमाला तो सबने पढ़ी है, जैसे अ छोटे आ से क्या होता है, अनार, आम, छोटी ई से बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला श्र, ए ए ओ औ अंक हाँ खाली, ये पढ़ा हुआ है ना आपने पहले. अब आपका क ख ग ढ, ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं. ठीक है, दो व्यंजनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं. जैसे मैंने दो अक्षरों को मिला दिया है तो आपका वर्ण बन गया है जग. ठीक, अब आपने इस चैप्टर में क्या सीखा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, पहली चीज सीखी. वर्ण के कर्म को लिखना वर्णमाला कहते हैं, जिस हिसाब से हम लिखेंगे उसे वर्णमाला कहते हैं. दो व्यंजन मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. और श, जैसे आपका यह श, त्र, ज्ञ और ऋषि वाला श्र, वो है संयुक्त व्यंजन, मतलब वो अपने में ही अलग हैं बिल्कुल. ठीक, अब आपका जो होमवर्क है, जैसे आप छोटा अ लिख के देंगे आपको, बड़ा आ आप उसके आगे लिखेंगे. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको बच्चों भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, और आप उसे घर में करना अपना काम. ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं भेजूंगी आपको, जैसे अ लिखा हुआ है तो आपको उसका बड़ा आ लिखना है ऐसे. तो इस साइड में सारे शब्द आएंगे, उसमें आपको आ की मात्रा लगानी है. ठीक है, तो ये मैं आपको भेजूंगी और आप इस काम को कंप्लीट करेंगे घर पे. ओके, सो मेरे ख्याल से आज इतना ही बहुत है. आगे क्योंकि लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी टफ होती है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बच्चों. सो दैट इज ऑल, आज हमने वर्ण पढ़ा है, और मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, जितना भी इसका वर्क है, सब व्हाट्सएप पे भेजूंगी. ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों.